हेलो असला स्टूडेंट्स तो आज हमें जो है एक्सरसाइज वर्क करना है तो आपका एक्सरसाइज ए पार्ट है जो चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस ठीक है आपको ब्रैकेट से वर्ड चूज करके यहाँ पे फिल कर देना जो स्पेस आपके लिए रखी हुई है तो नंबर वन है आपका रेनी सीजन इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड डे सीजन रेनी सीजन को इंडिया में क्या कहा जाता है मॉनसून ठीक है तो आप क्या लिखोगे मॉनसून नंबर टू आपका है वी वेयर डैश क्लॉथ इन समर हम समर में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं तो आप लिखोगे कॉटन ठीक है थर्ड वन है आपका वी वेयर डैश इन इन द रेनी सीजन तो हम रेनी सीजन में कौन से कपड़े ये पहनते हैं तो रेन कोट क्या लिखोगे आप रेन कोट को टिक करोगे और वहां पे फिल कर दोगे फोर वन है आपका इन द डैश इन द विंटर सीजन देयर इज अ डैश इन माउंटेन एरियाज माउंटेन एरियाज में ये विंटर सीजन में क्या होता है वहां पे स्नोफॉल होती है ना बर्फ गिरती है तो किस पर टिक करोगे आप स्नोफॉल ठीक है जो अच्छा जी फिफ्थ आपका फ्लावर्स ब्लूम इन डैश कौन से सीजन में फ्लावर्स खिलते हैं तो हम लिखेंगे किस पर टिक करोगे आप स्प्रिंग देन इसके बाद है आपका हां जी मैच इन द मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ नंबर वन है आपका सनशाइन ब्राइटली तो आप कहाँ ले लोगे समर समर के साथ

आ, ये विंटर ठीक है विंटर सीजन फिफ्थ वन है आपका रेन कोट रेन कोट क्या होता है वाटर प्रूफ होता है देन इसमें यहाँ मैच कर देना है ठीक है देन इसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स ठीक है जो आंसर्स uh, मैंने यहाँ पर कॉपी पे आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चन uh, आपको अपने नोटबुक से नोट करना है तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका वेन डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स तो आप लिखोगे वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर ठीक है जो देन इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर टू वाई शुड वी वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर तो आप लिखोगे वी वेयर वुलन वन इन विंटर टू कीप अवर सेल्स वॉर्म ठीक है थर्ड वन क्वेश्चन है आपका विच सीजन इज कॉल्ड द मॉनसून तो आप लिखोगे रेनी सीजन इज कॉल्ड मॉनसून ठीक है जो फॉर्थ वन क्वेश्चन है आपका नेम द सीजन इन इंडिया तो आप लिखोगे द सीजन इन इंडिया आर समर विंटर स्प्रिंग एंड मॉनसून सीजन क्वेश्चन नंबर फाइव आपका विच आप लिखोगे स्प्रिंग सीजन इज कलरफुल बिकॉज लिवस ग्रोज एंड फ्रेश फ्लावर्स ब्लूम ऑन ट्रीज इन दिस सीजन ठीक है जू फ्रेश फ्लावर्स ब्लूम ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स ठीक है तो इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए फिनिश देम हाँ जी तो अब आप आपको क्या करना है अरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक द करेक्ट वर्ड ये जो जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे है ना इनको क्या करना है आपको अरेंज करना है सही तरीके से लिखना है जैसे आप क्या लिखोगे ये वाला वर्ड यहाँ पे सीजन है एस ई ए एस ओ एन ठीक है आपने करेक्ट करके लिखा ठीक है दूसरा वर्ड -E -E है यहाँ पे विंटर डब्ल्यू आई एन टी ई आर विंटर थर्ड वर्ड समर एस यू डबल एम ई आर फोर्थ वन है स्प्रिंग एस पी आर आई एन जी फिफ्थ uh, वन है आपका स्नो फॉल देन इसके बाद सिक्स को आप लिखोगे अक्टूबर सेवन आपका वुलन ठीक है देन इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे थैंक यू